इतिहास के पन्नों में अक्सर हमने अमीर बनते उन्हीं लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी जिंदगी को गरीबी में बिताया है। आज बहुत सारे यंगस्टर्स यह बात कहकर के शांत हो जाते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ये बात कह के बहुत सारे यंगस्टर अपने करियर को नस्तानाबूद कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरह की सोच अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं तो यह सोच निकाल फेंको अपने दिलो दिमाग से, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो कि जितने लोगों का इतिहास आपने पढ़ा है आज तक, सब अपनी ज़िंदगी में गरीब ही पैदा हुए थे। कोई माँ के पेट से अमीर नहीं पैदा हुआ था। इतिहास उठाकर पढ़ लो चाहे जिसका। और आपको पता है, आप जानते हो कि इंसान अमीर वही होता है जिस इंसान की जिंदगी में अभाव होता है। जो इंसान जन्म से गरीब होता है वही इंसान तो अमीर बन जाता है, वही इंसान तो अपनी जिंदगी में इतिहास बना जाता है। आप यह बात मनमानी ढंग से कह करके अपने करियर को नस्तानाबूद करने की फिराक में क्यों हैं कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं अपनी जिंदगी को सफल कैसे कर सकता हूं? आपको बताना चाहूंगा कि अमीर भी तो वही बनता है जिसके पास कुछ नहीं होता। और जब आपके पास सब कुछ होता तो आप ये रोना क्यों रोते और आप अमीर बनने की फिराक में कोशिश क्यों करते, मेहनत क्यों करते, पुरुषार्थ क्यों करते, हार्डवर्क क्यों करते, इतना टेंशन क्यों लेते, इतना परेशान क्यों होते? जनाब आली, इस संसार में, चराचर जगत में अमीर वही इंसान हुआ है जिस इंसान की जिंदगी में अभाव रहा है, वही इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया है। और आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि माँ बाप को कोसना बंद कर दीजिए। जो आप अपने माँ बाप को हमेशा कोसते रहते हो, गाली देते रहते हो, लड़ते रहते हो, धमकियां देते रहते हो कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, न जमीन बनाई, न जायदाद बनाई, न दौलत बनाई, न कोठी बनाई, न महल बनाई, मैं कहता हूं तूने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया? तेरे पिताजी तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उस समय टेक्नोलॉजी का भी जमाना नहीं था। चलो माना जैसे तैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बिताया। अब बता तू, इस चकाचौंध की दुनिया में तूने उखाड़ा क्या ग्रेजुएशन करने के बाद? कुछ नहीं। तो भाई एक बात मुझे बता कि अपने माँ बाप से जबरन लड़ते क्यों हो यार? उनका जो दौर था, उनका जो समय था, उनका जो जमाना था, उन्होंने उस जमाने और समय के हिसाब से तेरी जिंदगी की परवरिश कर दी, क्या ये कम बड़ी बात है? आज अपने माँ बाप से लड़ते हो, झगड़ते हो और आप उनको कोसते हो कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैं आपको मौका देता हूं, मैं आपसे कहता हूं, चलो छोड़ो सारी बातें, आपके माँ बाप कुछ नहीं किए, आप करके दिखा दो। डियर फ्रेंड्स, आपके पास सबसे बड़ा मौका है इस बात को समझने और जानने की कि इस दुनिया में, इस संसार में जिसके पास कुछ नहीं है उसी के पास तो सबसे बड़ा मौका है कुछ कर दिखाने का अपनी जिंदगी में। प्रूफ कर दो ना अपने माँ बाप को, जिस माँ बाप ने 9 माह तक अथक मेहनत परिश्रम करके तुझे गर्भ में रखा और इस धरती पे लाया, उसका शुक्रगुजार नहीं है तू? उसको गाली देता है, उससे लड़ता है, शादी के बाद अलग जिंदगी जीता है और कहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी में क्या किया, ये कम बड़ी बात है, तुझे पैदा किया, इस धरती पे लाया। डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपसे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि माँ बाप का रिस्पेक्ट जिंदगी में कभी कम नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई और तेरा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में माँ बाप से ज्यादा तेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है। और तू अपने माँ बाप को गाली देता है, कोसता है, उनको धमकियां देता है, उनके बारे में बुराई करते हो लोगों से कि यार मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, जमीन ही नहीं है, घर ही नहीं है, गाड़ी ही नहीं। अरे भाई, तुझे पैदा किया, क्या कम बड़ी बात है? क्या खुद तेरे पास हाथ पैर पांव है ना? करके दिखा ना, खरीद गाड़ियां, बना महल, खरीद जमीन जायदाद,
और दिखा अपने बाप को अपनी औकात कि पिताजी आप जो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए, आपके आशीर्वाद से, आपके रहमो करम से, आपकी कृपा से आज वो कार्य मैं करके दिखा रहा हूँ। आपकी ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनी रहे ताकि हम अपनी ज़िंदगी में वो कर दिखाएं जो हमारे बच्चे आने वाले समय में देख करके गर्व महसूस कर सकें। इस तरह की बातचीत हम अपने माँ बाप से कर सकते हैं, लेकिन लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, उन्हें गलत सलत बातें नहीं उनसे करनी, उनका सम्मान करना है। ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का सम्मान सदा सदा सदियों के लिए करते रहना है, यही तो जीवन का आधार है। और हम इस चकाचौंध की दुनिया में दो चार अमीर दोस्तों के साथ मिलजुल क्या लेते हैं, माँ बाप की औकात नापने लगते हैं, माँ बाप को ऊंचा नीचा कहना शुरू कर देते हैं, माँ बाप को गलत बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तुम्हें पता भी है किस तरह से कितनी मेहनत करके उस माँ बाप ने तुझे पाला पोषा, इतना बड़ा किया, उसकी फिक्र खत्म। दो चार नए अमीर दोस्त क्या मिल गए, तू माँ बाप की औकात नापना शुरू कर दिया, यही तेरी औकात है, यही है तेरा पुत्र होने का सिला। डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपनी ज़ुबान से, कभी अपने शब्दों से अपने माँ बाप को कभी गलत मत कहना। वो जैसे भी हैं, जिस भी तरह से हैं, वो हमारे लिए हमेशा महान हैं और हमेशा महान रहेंगे। ये ज़ुबान से मोहब्बत नहीं, उनसे दिल से मोहब्बत करनी होगी। ये ज़ुबान से उनसे आई लव यू नहीं, दिल से हर वक्त एक एक धड़कन मोहब्बत करें अपने माँ बाप से, नतमस्तक रहें उनके चरणों में, उनके कदमों में अपने आप को झुकाए रखो और पूरी दुनिया में सबसे पहले पूजा अपने माँ बाप की करो। अपने दिल से, अपने दिल की गहराई से अपने माँ बाप को इतना सम्मान दो, इतना रिस्पेक्ट दो कि माँ बाप हर एक सांस में दुआओं की बरसात करें और जिंदगी गरीबी से कब अमीरी में तब्दील हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर माँ बाप की हाय लगेगी तो पूरी जिंदगी लाखों करोड़ों भी कमा लोगे तो भी दुखी ही रहोगे। अगर माँ बाप का दिल दुखाया तो बच्चा समझ लेना पूरी जिंदगी धोखा खाया। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि माँ बाप का सम्मान करें, उन्हें कोसे नहीं, उनसे लड़े नहीं, उनसे झगड़े नहीं, बल्कि इस अभाव को एक मौका समझें। मैं तो मौका समझता हूं। जो भी चीजें मेरे पिताजी जाने अनजाने अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए, मुझे लगता है ये मौका इस बेटे को मिला है, इस पुत्र को मिला है, और उस मौके का इस्तेमाल, उस मौके का फायदा लेना इस पुत्र को आता है। वो प्रूफ करके दिखाऊंगा। इस तरह के जज्बात अपने अंदर रखो, इस तरह के हौसलों को मजबूत रखो और यही काम देगा। माँ बाप की ब्लेसिंग जिंदगी में कभी छूटनी नहीं चाहिए। माँ बाप की ब्लेसिंग हमेशा सरमाथे रख करके आगे बढ़ना है, कभी कोसना नहीं है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज नेवर हर्ट योर पेरेंट्स, नेवर हर्ट योर मदर एंड फादर, ऑलवेज बी अ ग्रैटिट्यूड इन फ्रंट ऑफ योर मदर एंड फादर। सो थैंक यू वेरी मच।